जब भगदत्त का अर्जुन से घमासान युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भगदत्त के धनुष को काटकर उसके बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुरंत ही उसने अपने 72 बाणों से भगदत्त के संपूर्ण शरीर को गहरी चोट पहुंचाई थी। अब घायल होकर जब भगदत्त को कोई चारा नहीं सूझा तो कुपित होकर उसने अपने अंकुश को ही वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। अब भगदत्त का छोड़ा हुआ यह दिव्यास्त्र सबका विनाश करने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पीछे लेकर वह अस्त्र स्वयं ही अपनी छाती पर ले लिया और उसकी चोट सह ली।